गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है सभी बच्चे, आज अभी ध्यान लगा के चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 का नेम क्या है, सब बोलेंगे मेरे साथ, द काओ। क्या है, काओ के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज, गाय के बारे में। काओ सब जानते हैं, काओ क्या होती है, काओ हम गाय होती है, गाय क्या होती है, गाय हमारी माता होती है। ठीक है, हमें गाय को क्या करना चाहिए, गाय को कभी भी मारना नहीं चाहिए, गाय की हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या देती है, हमें वो दूध देती है। ठीक है, जिसे पीकर हम स्ट्रांग बन जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों एक बच्चा काओ के बारे में बता रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। द फ्रेंडली काओ ऑल रेड एंड वाइट। वो क्या बोल रहा है कि काओ कैसी है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, यानी कि वो क्या है, मेरे दोस्त के जैसी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, एक काओ, उसका कलर कैसा है, रेड एंड वाइट। कैसा कलर है, लाल और सफ़ेद कलर। ठीक है, चलिए, आई लव विद ऑल माई हार्ट। मैं क्या करता हूँ, उसे अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना, दिल से मतलब मैं उसे बहुत अच्छा समझता हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो क्या है, वो उसका पेट है, वो उसकी पालतू है, वो उसकी गाय है। ठीक है, जो बच्चों हमारा पेट होता है, हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसे अपने फैमिली मेम्बर की तरह, अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, अपने परिवार की तरह। उसी तरह वो लड़का कह रहा है कि मेरी जो काओ है, मेरी जो गाय है, वो कैसी है, रेड और वाइट कलर की। वो अपनी काओ के बारे में बता रहा है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, शी गिव्स मी क्रीम। वो क्या देती है मुझे, वो कह रहा है विद ऑल हर माइट। वो मुझे क्या देती है, वो मुझे क्रीम देती है। क्रीम कैसे बच्चों, वो गाय दूध देती है तो उससे क्या निकलती है, मलाई, है ना, मलाई को ही क्या कहते हैं, क्रीम कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मेरी जो काओ है वो मुझे क्या देती है, वो मुझे बहुत खुशी से क्या देती है, क्रीम, जितनी वो दे सकती है, वो मुझे कभी मना नहीं करती है। ठीक है, टू ईट विद एप्पल टार्ट। टार्ट होता है बच्चों मिठाई, एप्पल की, किसके साथ, सेब की मिठाई के साथ वो मुझे क्रीम खाने के लिए देती है। कौन, उसकी गाय। ठीक है, इसलिए वो उसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो भी उसका ख्याल रखती है और वो भी उसका ख्याल रखता है। चलिए, ये रही उसकी काओ, कौन सी है, ये रही, है ना, और ये क्या है, ये वो बच्चा है जो हमें अपनी काओ के बारे में बता रहा है। चलिए, एंड सॉरी, She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray. She wanders. उसे क्या पसंद है मेरी काओ को, here and there lowing, मतलब घूमना, इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना मेरी काओ को बहुत पसंद है। गाय को क्या, बच्चों जानवरों को क्या पसंद होता है, इधर उधर घूमना, खेलना कूदना, यही करते रहते हैं वो लोग सारे दिन। गाय भी आपने देखा होगा कि इधर उधर घूमती रहती है, कभी घास खाती है, पर वो बहुत ही कम बैठती है, उसे उन्हें घूमना ही पसंद होता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी आलसी नहीं होते हैं। एंड येट शी कैन नॉट स्ट्रे। वो भटकना चाहती है, वो इधर उधर घूमना चाहती है, पर क्या नहीं हो पाती है, वो घूमती नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो मेरी पेट है, तो मैं उसे घूमने नहीं देता हूँ। ऑल इन द प्लीजेंट ओपन एयर। वो खुली हवा में, खुली ओपन एयर, खुली हवा, प्लीजेंट, बहुत ही अच्छी हवा, सुंदर हवा, एकदम शांत और एकदम अच्छी वाली, जिसमें हमें क्या हो, बहुत अच्छा लगे। द प्लीजेंट लाइट ऑफ डे। और डे यानी कि दिन की जो लाइट होती है, दिन में जो धूप होती है और खुली हवा होती है, उसमें उसे घूमना पसंद है। ठीक है, एंड ब्लोन बाय द विंड्स दैट पास। और जो गुजरती हुई हवा होती है, हवा के झोंके होते हैं, हवा जो चलती है और मुंह पे लगती है। एंड वेट विद ऑल द शावर्स। और उसे क्या पसंद है, पानी से नहाना, शावर्स, है ना, शावर लेना, जब मैं उसे नहलाता हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। शी वॉक्स अमंग द मेडो ग्रास। क्या करती है वो, घास के मैदान के बीच में से गुजरती हुई जाती है। वो किसके क्या क्या बता रहा है कि उसकी काओ क्या क्या करती है, उसे क्या क्या अच्छा लगता है। पूरी पोएम किसके ऊपर है, काओ के ऊपर है। ठीक है,
एंड ईट्स द मेडो फ्लावर्स, और क्या करती है वो, काऊ उसकी जो घास में जो फूल रहते हैं वो उनको खाती है ना, और क्या करती है, घास में चलती है और उसमें जो फूल रहते हैं, जो घास होती है, वो उसे खाना बहुत पसंद करती है। गाय क्या खाती है बच्चों, ग्रास, है ना, घास फूस। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये जो पोयम पढ़ाई है, आप क्या करेंगे, इसे रिवाइज कर लें, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम क्या करेंगे, और देखिए ये जो पोयम है किसने लिखी है, रॉबर्ट लुइस टिनवेंसन, ठीक है, ये उसका नाम है जिसने ये पोयम लिखी है काओ के ऊपर। ठीक है, हमने पढ़ा काओ क्या क्या करती है, उसे क्या क्या पसंद है, काओ हमें क्या क्या देती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग समझेंगे। चलिए, ये रहे इसके वर्ड मीनिंग्स। चलिए, आपको ये कॉपी के अंदर करने हैं, क्योंकि बुक में जो बुक वर्क है वो तो हम बुक में करेंगे, और कॉपी में क्या करेंगे, ओनली वर्ड मीनिंग। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले दे रखा है माइट। माइट में क्या लिखा है, पावर। पावर होती है बच्चों शक्ति, है ना, पावर होती है हमारी शक्ति, कि हमें कितनी कैपेबिलिटी, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं। टार्ट, टार्ट क्या होता है, कप शेप्ड बिस्किट, यानी कि कप की शेप का बिस्किट या मिठाई। ठीक है, चलिए, वंडर, मूव हियर एंड देयर। वंडर होता है मूव हियर एंड देयर, मूव हटना, हियर एंड देयर इधर और उधर घूमना। ठीक है, लोविंग, अ लो साउंड ऑफ कैटल। लोइंग क्या होता है, अ लो साउंड ऑफ कैटल, यानी कि कैटल होता है जानवर, जानवरों द्वारा छोटी सी आवाज़, जब वो खुश होते हैं धीरे से आवाज़ करते हैं खुशी से, है ना। स्टे, स्ट्रे टू वंडर, स्ट्रे का मतलब होता है इधर उधर भटकना या घूम जाना। प्लीजेंट, प्लीजिंग, सुहावना, बहुत अच्छा। ब्लोन, कैरिड अवे, ब्लोन होता है ले जाना, और मेडो होता है ग्रासलैंड या घास का मैदान, क्या होता है, घास का मैदान। ठीक है, चलिए, हमारे ये वर्ड मीनिंग सारे पूरे हो गए हैं। आपको क्या करना है, आपको पोयम पढ़नी है, और होमवर्क में आपको वर्ड मीनिंग करने हैं बस, बाकी अगला बुक वर्क हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।